मैं जो कुछ भी बताऊं बहुत धीरज से और बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। जिसने नंदिनी को मारने की कोशिश की, जिसने अवनी की साड़ी जलाई, वो राधा नहीं बल्कि तुम्हारी अवनी थी। जिस दिन मैं यहां आया था उसी दिन मैं समझ गया था कि राधा को कोई बीमारी नहीं। तो फिर एक दिन मैं अवनी के साथ तीसरी मंजिल पर गया। वो जिस उत्साह से मंजुलिका के बारे में बात कर रही थी, तब मैंने पहली बार अवनी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की जो सिर्फ एक मानसिक रोगी में हमेशा नजर आती है। तुम्हारा मतलब है अवनी पागल है? नो, हालांकि आम आदमी हर मानसिक बीमारी को पागलपन ही समझता है। दिमाग के अलग अलग हिस्से होते हैं, बाहर से आदमी जैसा भी है, अंदर के इन्हीं हिस्सों की इन्हीं लेवल्स की वजह से अलग आदमियों के दिल अलग हालातों में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। हम साइकोलॉजी की भाषा में उसे कहते हैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। अवनी की बीमारी कुछ ऐसी है कि वो कभी कभी खुद को पूरी तरह से भूल के मंजुलिका बन जाता है। इस बीमारी का नाम है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, मतलब एक आदमी का खुद की असली पहचान छोड़ के दूसरा आदमी बन जाना। अमेरिका में रहने वाली अवनी बंगाली बोलने लगती है जो उसने कभी सीखी भी नहीं। नाचना नहीं आता, लेकिन अवनी जब मंजुलिका बन जाती है तो वो नाचती भी है और गाती भी है। उसे तो ये भी पता है कि तुम कब सोते हो, रात को किस वक्त तुम्हारी नींद सबसे ज़्यादा गहरी होती है, और वो ठीक उन्हीं घंटों में मंजुलिका बन के महलों में घूमती है। इसीलिए पुराने ज़माने में लोग उसे भूत बाधा कहते थे। लेकिन ऐसे दिलो दिमाग की शक्ति कुदरत का करिश्मा ही समझो। ये बीमारी अवनी को क्यों हुई, इसकी तह तक जाने के लिए मैंने तुम्हें मंदिर में राधा के करीब रहने को कहा था, तुम्हें याद होगा। मैं देख रहा था कि अवनी को राधा से जलन है कि नहीं, लेकिन नहीं, उल्टा उसका पूरा ध्यान हमारी बहस पे था कि ये घुंघरू असली है या नहीं। तब उसकी गुस्से वाली आंखों में मैंने आग देखी जैसे मंजुलिका बोल रही हो। अवनी किन हालात में पली बड़ी ये जानने के लिए मैं चंदू के साथ अवनी के शहर में गया था। उसके बचपन के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए उसके रिश्तेदारों से, दोस्तों से, स्कूल के टीचर से मिला। 3 साल की बच्ची थी जब उसके माँ बाप उसे दादी के पास छोड़ के अमेरिका चले गए। अपनी किस्मत आसमानी। छोटी अवनी को माँ बाप की कमी तो महसूस होती ही होगी, लेकिन उसने दादी को ही अपनी दुनिया बना ली। उसकी दादी उसे भूत प्रेतों की, परियों की, पंचतंत्रों की कहानियाँ सुनाती और अवनी का अकेलापन गायब हो जाता और उसे विश्वास हो जाता कि बुराई पर अच्छाई की जीत होकर ही रहती है। लेकिन बूढ़ी दादी की सेहत डगमगाने लगी तो पापा उसे अमेरिका ले जाने दादी के घर आ पहुँचे। वो 10वीं कक्षा में थी जब इम्तिहान सर पर थे, लेकिन अवनी का दिमाग पापा के फैसले पर बौखलाया हुआ था। दादी से दूर रहना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये मानसिक दबाव या टेंशन उसके दिल में ज्वालामुखी के लावा की तरह उबल रहा था। अवनी परीक्षा हॉल में बैठी थी कि अचानक उसने पेपर फाड़ के हवा में उछाले और पागलों की तरह चीखती चिल्लाती स्कूल से भाग गई। वो थी उसके दिमाग की पहली दरार। फिर तो पापा ने उसे अमेरिका ले जाने में बिल्कुल देर नहीं की, जोर जबरदस्ती से ले गए और कुछ ही दिनों में खबर आई कि दादी चल बसी। अवनी बढ़ती उम्र में बचपन की बातें भूल गई जैसे समंदर में जहाज डूब जाता है। सालों बाद जब वो यहाँ आई तुम्हारे साथ तो इस महल की कहानियों में खो गई जैसे दादी की कहानियों में खो जाती थी। मंजुलिका की दास्तां उसे अपनी दास्तां लगने लगी, किसी राजा की वजह से प्यार करने वालों का बिछड़ना और फिर मौत। अवनी को मंजुलिका के साथ हमदर्दी होने लगी क्योंकि मंजुलिका के साथ जो अन्याय हुआ था ऐसा ही कुछ अवनी के साथ बचपन में हुआ था। वो राजा की बुराई पे मंजुलिका की सच्चाई की जीत चाहती थी। हमदर्दी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई थी कि अवनी खुद को मंजुलिका समझने लगी। अवनी के दिल में जिस बीमारी के बीच इतने सालों तक दबे पड़े थे अब वो उभर उभर के बाहर आने लगे। और उसके बाद महल में जो अजीबोगरीब घटनाएं हुई वो कुछ ऐसी हुई। तुम अवनी को कब से जानते हो? 1 महीने का प्यार और फिर शादी। फिर तो तुम्हें उसके बारे में इतनी गहरी जानकारी होना नामुमकिन था। लेकिन आपने राधा को क्यों बंद किया? चाय में जहर वाले दिन मैंने अवनी में छुपी मंजुलिका को सबके सामने ऊपर आते देखा।
एक बार अगर अवनी पर मंजुली का भारी हो जाती तो अवनी को वापस लाना नामुमकिन हो जाता, इसलिए उसका ध्यान दूसरी तरफ खींचने के लिए मुझे राधा पे इल्जाम लगाना पड़ा। अब हम तीनों के अलावा राधा भी सब कुछ जानती है। मैंने राधा को अवनी की बीमारी के बारे में बताया तो उस भोली लड़की ने बिना सोचे समझे ये कह दिया, अवनी को बचाने के लिए वो सारी उम्र पागल बनने को तैयार। ये कैसे हुआ? शायद राधा ने किया होगा। हाँ, वही होगी, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? उसे कमरे से बाहर ही नहीं निकालना चाहिए था, पर उसने ये कब किया मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अरे, आप कब आए? अवनी दूल्हा है ये? वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। हाँ, बहुत देर हो गई, वैसे भी सारी रस्में खत्म हो गई है, सो जाने दो भाभी जी को।